अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स एंड वेलकम इन दिस वीडियो. और हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी के ऊपर, रिकग्नाइजिंग एंड डेवलपिंग अपॉर्चुनिटी. बहुत क्रिटिकल टॉपिक है और यहीं से ही तो सारा एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस स्टार्ट होता है. अच्छा, पहले हमने बात की कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है. अब हम बात करते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की क्वालिटीज़ क्या होती हैं. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बाकायदा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसकी कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले उसको अट्रैक्टिव होना चाहिए. अच्छा, व्हाट इज़ मेंट बाय अट्रैक्टिव? अट्रैक्टिव का मतलब ये आ जाता है कि नंबर एक, वो आपके लिए भी कोई मायने रखती हो, आपकी अपनी पर्सनल कमिटमेंट, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस, पर्सनल प्रेफरेंस, प्रोडक्ट और सर्विस जो भी आप ले रहे हैं उसमें आपकी अपनी ज़ाती प्रेफरेंस भी हो, फिर ज़्यादा दिल से आप काम करते हैं. उसको मार्केटिंग के लिहाज से भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी उसकी मार्केट भी होनी चाहिए, उसके कस्टमर्स भी होने चाहिए. आपको नेक्स्ट वो फाइनेंशियली भी वायबल और अट्रैक्टिव हो, यानी ऐसा है कि आप अपनी प्रोडक्ट बनाएं और अपनी सर्विस लेके जाएं मार्केट में. यस, शायद शुरू के अंदर आपको अपना ब्रेक इवन अचीव करने में थोड़ा टाइम लगे, बट वंस योर ब्रेक इवन इज अचीव्ड, फिर उसके बाद फाइनेंशियली वो वायबल हो, आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी निकल रहे हों और प्रॉफिट्स भी जनरेट हो रहे हों. उसके बाद अपॉर्चुनिटी को ड्यूरेबल होना चाहिए. कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को हम कहते हैं ये पॉपअप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी थोड़ी सी देर के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है और आपने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए अपने फाइनेंसेस ज़्यादा उसके ऊपर लगा दिए हैं, जबकि वो एक पॉपअप अपॉर्चुनिटी थी. फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि जी अब आप बाइक्स बगैर हेलमेट के नहीं चलाएंगे, और एक सर्टन डेट दे दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इसके बाद आप जो भी बगैर हेलमेट के नज़र आए उसके चलान होगा. हमने ये देखा कि बहुत से लोगों ने बल्क के अंदर वो हेलमेट्स बाय किए एंड दे वर सेलिंग देयर हेलमेट्स. इट्स अ पॉपअप अपॉर्चुनिटी जिसका एक बहुत शॉर्ट टाइम है, और उसके बाद जब वो मार्केट सैचुरेट हो जाएगी, लोग ले लेंगे, गवर्नमेंट की डेट ख़त्म हो जाएगी, या लेट सपोज गवर्नमेंट ही थोड़ी सी और रिलैक्स हो जाती है इस एक रिस्ट्रिक्शन को लेके, तो वो अपॉर्चुनिटी भी ख़त्म हो जाती है. ज़्यादातर लोग एक्साइट हो जाते हैं इस चीज़ से भी कि एक पॉपअप अपॉर्चुनिटी आती है और आप फिल फॉर भागते हैं. पॉपअप अपॉर्चुनिटीज बुरी नहीं होती, आपको कुछ उसमें प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, लेकिन ड्यूरेबिलिटी जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फर्म, ये सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटीज नहीं होती. सो उसको फाइनेंशियली और मार्केटिंग और आपके लिहाज से भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसको ड्यूरेबल भी होना चाहिए, और तीसरा टाइमली होना चाहिए. देखिए, आपके पास एक आइडिया है और आप उसके अपनी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं. आप कोई आइडिया हो सकता है आपको आया हो, आपके साथ और भी बहुत से साथियों को आया हो, और वो भी कोई प्रोडक्ट अपनी इसके ऊपर डेवलप कर रहे हो. द क्रिएटिविटी दैट हैज़ नो टाइम लिमिट इज़ जस्ट अ ड्रीम, यही कहा जाता है. यानी इन अदर वर्ड्स, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसका एक टाइम होता है. मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि जिनके पास बहुत अच्छे सोशली इनोवेटिव आइडिया किसी भी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिस तरह गार्बेज है और उस गार्बेज को अब हमने ठिकाने लगाना है, तो गार्बेज मैनेजमेंट के लिए किसी के पास कोई अच्छा आइडिया है तो वो लेकर आए, लेकिन उसकी एक डेट होती है. लाइकवाइज, आप कोई प्रोडक्ट डिवेलप कर रहे हैं, इससे पहले कि कोई और कंपेटिटर आपका वो प्रोडक्ट मार्केट में ले आए, आपको वो प्रोडक्ट मार्केट में लाना होता है. फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा अवेल करना चाहिए. सो अगेन, व्हेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, तो ऐसा नहीं होता कि इसका बहुत ओपन टाइम होता है. पता ये चला कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आई और आप उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर अपनी पूरी प्रोडक्ट या एक पूरी सर्विस या एक पूरा बिजनेस आइडिया डेवलप करके लेकर आए, आपने टाइम बहुत लगा दिया. जब आप मार्केट में गए तो पता चला कि आपके मार्केट में जाने से पहले ही कंपेटिटर्स आ चुके हैं और मार्केट सैचुरेट हो चुकी है. सो अपॉर्चुनिटी को टाइमली अवेल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबसे क्रिटिकल पॉइंट कोई ना कोई वैल्यू एडिशन ज़रूर कर रही हो फॉर द बायर और फॉर द एंड यूज़र. अगर ये वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है तो आपका बिजनेस आइडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. आपके पास देखिए, आपने किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपने ट्रेंड्स देखे हैं, या कोई भी आइडिया आपके जहन में आया है, डे एंड के ऊपर उसको प्रोडक्ट या सर्विस की सूरत में एग्जिबिट होना है. ये प्रोडक्ट और ये सर्विस अगर मैं एज अ कंज्यूमर आपसे बाय कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली आई एम गिविंग यू द मनी एंड टेकिंग द प्रोडक्ट और द सर्विस.
सो अगर मैं आपको पैसे दे रही हूँ तो बदले में मुझे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट चाहिए, एक वैल्यूएबल सर्विस चाहिए. अगर आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विस में वैल्यू नहीं है मेरे लिए, तो शायद मैं एक दफ़ा तो बाय कर लूँ, मैं आपसे दोबारा बाय ना करूँ. सो क्या आपकी अपॉर्चुनिटी जो आपने हंट की है और आप कहते हैं कि इसमें मैं कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करूँ या कोई सर्विस डिज़ाइन करूँ, डे एंड के ऊपर क्या वो एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है? वो वैल्यू आपके लिए भी क्रिएट होनी चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर, वो वैल्यू कस्टमर या बायर के लिए भी क्रिएट होनी चाहिए एट द एंड, वो वैल्यू ओवरऑल एनवायरनमेंट में भी क्रिएट होनी चाहिए. बहुत से लोग ऐसी प्रोडक्ट लेकर आ जाते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होती या ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होती, चले हम यूँ कह दें, और बाज़ औक़ात लोग उसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को और बाद में वो रियलाइज़ करते हैं कि इस प्रोडक्ट के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं और वो फिर फॉर उस प्रोडक्ट को बाय करना छोड़ देते हैं, या उसके अगेंस्ट अगर कैंपेन ही चली गई है आपका सारा बिजनेस आइडिया और अपॉर्चुनिटी आपकी सारी चली जाती है, ख़राब हो जाती है, यानी आपको नुकसान हो सकता है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी. सो ये जो हम डिस्कशन कर रहे थे ना टाइम की, बेसिकली दिस इज़ द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी. ये एक वक्त में खुलती है, आपको फिर फॉर इस विंडो से बाहर देखना होता है, चीज़ों को असेस करना होता है, मार्केट को असेस करना होता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को असेस करना होता है और अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, अपनी सर्विस को लॉन्च करना होता है. कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रेंड्स चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी थी उसका टाइम ओवर हो जाता है. जब टाइम ओवर हो जाता है तो ये विंडो क्लोज हो जाती है. सो व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी सीकिंग कॉन्फिडेंस? आपके अंदर एक मुकम्मल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो आँख होनी चाहिए कि उस विंडो से बाहर देख सके. यू नीड टू मेक इट श्योर कि ये विंडो कब खुली है और कब बंद होने वाली है, उसके हिसाब से ही आप अपना बिजनेस आइडिया लेकर आएँ. ऐसा ना हो कि आपकी जो है विंडो अपॉर्चुनिटी की वो क्लोज हो रही हो और आप तब आइडिया लेकर आ रहे हों या तब अपॉर्चुनिटी अपनी अवेल करने के लिए अपने सारे फाइनेंसेस किसी बिजनेस में लगा रहे हों. हमने जैसे पहले बात की थी कि आइडिया और अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क ये है कि जो आइडिया होता है वो आपके अपने जहन में होता है, वो आपकी सोच, आपका इंप्रेशन, आपका शौक, आपका नोशन, आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है. और हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी के जो हमने कहा था कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के अंदर अट्रैक्टिवनेस भी होनी चाहिए, उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए, उसको ऑन टाइम भी होना चाहिए और प्लस ये कि वो कोई वैल्यू ऐड भी कर रही हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका आइडिया इस एक क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा हो. आपकी अपॉर्चुनिटी के अंदर ये तमाम की तमाम क्वालिटीज़ होनी चाहिए, नहीं है तो ये आइडिया हो सकता है. टू कंक्लूड द टॉपिक, हम एक मॉडल के बारे में बात करते हैं और ये मॉडल जो है आपको दिखा दिया जाएगा ऑन स्क्रीन. आपके पास एजुकेशन है, आपके पास तो भी आपके पास अगर नॉलेज है, आप कस्टमर्स को जानते हैं या आपका एक्सपीरियंस, चाहे वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो या वर्किंग एक्सपीरियंस हो, तो भी बेसिकली वो आपको हेल्प कर रहा होता है. लेकिन इस सब प्रोसेस के अंदर एंटरप्रेन्योरियल अलर्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए, प्लस आपके जो नेटवर्क्स होते हैं वो नेटवर्क्स भी आपको बहुत से आइडियाज़ दे रहे होते हैं. तो ये पूरा मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली कि व्हेन यू हैव गुड एजुकेशन, और अगर एजुकेशन रेलेवेंट है या नहीं भी है, इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस आपका, चाहे वो ज़ाती है चाहे वो काम के हवाले से है, आपको मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज है, आप कस्टमर्स के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योरियल अलर्टनेस है, यानी विंडो क्लोज और ओपन होने के टाइम को आप अच्छे से जज कर सकते हैं, एंड यू हैव गुड नेटवर्क अराउंड यू, तो एट द एंड ऑफ द डे आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हंट कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटी हंट किस तरह से की जाती है, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे.